आजसू प्रमुख सुखदेश महतो, सिमरिया के दिवंगत विधायक रामचंद्र राम की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए सिमरिया पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा उद्यान पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो के साथ साथ केंद्र प्रवक्ता देवशरण भगत और केंद्र सचिव मनोज कुमार चंद्रा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। पार्टी सुप्रीमो ने पूर्व विधायक स्वर्गीय रामचंद्र के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक एक महान नेता थे, जिनके सपनों को उनके पुत्र मनोज कुमार चंद्रा पूरा कर रहे हैं। उन्होंने आजसू पार्टी को मुख्य रूप से विपक्ष बताया, जो जनहित के लिए सरकार से लड़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए सारे वादे भूल गई है, न ही किसी को नौकरी मिली और न ही कोई नीति बन पाई है। सीएम हेमंत की सरकार में सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान झारखंडियों की असली पहचान है, इसी पहचान से नियोजन नीति तय होनी चाहिए। इस राज्य का स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए आवश्यक बताया है, हमारे दल ने बताया है और उसी को लेकर विभिन्न कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। आज हमारी कोशिश है कि राज्य के इस भावनाओं को, राज्य के परिचय को स्थापित करने में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो और राज्य सरकार अभी जिस रूप से उनका, राज्य सरकार और उनके प्रतिनिधि का बयान आ रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है और इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़कर यहाँ की भावनाओं के लिए, यहाँ की मौलिकता के लिए, यहाँ के परिचय के लिए, यहाँ के नियोजन के लिए संगठन आगे बढ़ के काम करेगा। आप पूरे डाटा निकाल लो कि पिछले 2 साल तक जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ वो शायद पिछले 5 साल तक की सरकार नहीं कर पाई, ये रिकॉर्ड है इनका। अगर केवल प्रशासनिक काम से अगर ये हो जाता है तो हम मानते हैं कि प्रशासनिक कारणों से हो रहा है, क्योंकि कहीं पर प्रशासनिक कारणों से करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन ये प्रशासनिक कारण से नहीं बल्कि आर्थिक कारण से अगर हो रहा है तो ये बहुत ही इस प्रदेश के लिए घातक विषय है। मैंने खान संपदा विषय पर, मैंने राज्य के कोयला, लोहा या अन्य जो भी रिसोर्स हैं, आपने इस सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, पिछली गवर्नमेंट के बाद एक श्वेत पत्र आया, वित्तीय श्वेत पत्र इन्होंने जारी किया, खजाना खाली, कई बार इन्होंने कहा कि खजाना नहीं, तो खजाने का सोर्स क्या है? इस राज्य के आर्थिक सोर्स तो इसी से है ना, और वो सोर्स अगर सीधे तौर पर सरकार के खजाने पे नहीं जाकर निजी खजाने में, सरकारी संरक्षण में जाने लगेगा तो ये राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए बहुत कठिन स्थिति भविष्य में होगी। इसलिए मैं ये बात और ये चर्चा कर रहा हूं। सो तो है, दलीय रूप से सारा दल के सारे पद जिस परिवार में हो तो परिवार पार्टी ही ना कहेंगे। नहीं, अधिकारी का तो क्या है, अधिकारी जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए बोली लगाए हैं, वो अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, वो निश्चित है। जैसा शासन वैसा आपको व्यवस्था दिखाई देगा, जो जैसा हाँकेंगे वैसा ही नीचे आप अधिकारी दिखाई देते हैं। तो अधिकारियों को जो बताया जा रहा है, जिस रूप से अधिकारी का चयन हो रहा है, उसी रूप से अधिकारी आके फील्ड में पब्लिक के बीच में वही स्वरूप में काम कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कि मुझे मेरा चयन किस रूप से हुआ है, मैं यहाँ किस हैसियत से आया हूँ, तो अपनी हैसियत है, वो सेवा करने की हैसियत से नहीं आए, सेवा लेने की हैसियत से आए। मैं कह रहा हूँ एकदम खुलेआम चल रहा है, सरकारी संरक्षण में चल रहा है। न्यूज विंग के लिए धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट।